नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जहां झांसी के रोहतियाना में विद्युत विभाग की तानाशाही के खिलाफ किसान पंचायत एकत्रित हुई, जिसमें विद्युत विभाग की तानाशाही गुंडई पर किसान जमकर बरसे और नारेबाजी करते हुए विद्युत विभाग के घेराव की घोषणा कर दी। वही अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने राज्य के विधानसभा चुनाव में हारी 23 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा पार्टी सांसदों को सौंप दिया है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत जहां जहां भाजपा कमजोर है वहां पार्टी को मजबूत करना है। इसके लिए भाजपा ने विपक्षी दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लाने की रणनीति बनाई है। प्रकार की चूक ना रहे, इस हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया। हरियर विधानसभा है, उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ बाराट ऐसे दो विधानसभाएं दी हैं, माला राजकृष्ण शाह जी को हमने यमुनोत्री एक विधानसभा दी है, निशान जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण खानपुर तीन विधानसभाएं दी है। वही अगली खबर पौड़ी से है, जहां जनपद पौड़ी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप ए बेतालधार के वरिष्ठ फार्मासिस्ट विनोद सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर स्थानीय लोगों और कर्मियों द्वारा विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने पारंपरिक विदाई यंत्रों और फूल माला पहनाकर उनके उज्ज्वल सामाजिक जीवन की कामना की। वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से दर्दनाक हादसा हुआ है। बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के वजह से तार टूटकर स्वास्थ्य कर्मी पर गिरा, जिसकी वजह से करंट की चपेट में आने से स्वास्थ्य कर्मी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो वहां बैठे चाय पी रहे थे, उसके बाद ऊपर इधर फॉल्ट हुआ कहीं, हाँ। फॉल्ट होने के बाद तार गिरा उनके ऊपर गिरा, इतने फिर यहाँ लेके आए, उनकी डेथ हो गई थी। क्या नाम है उनका? उनका शायद नाम है संतोष बाबू। डॉक्टर हिमांशु त्रिपाठी, मेडिकल ऑफिसर, एनसीडी, पीएससी ऊंचा। डॉक्टर साहब, एक हादसा हुआ था, लाइन की चपेट में आने से एक डेथ हो गई थी, बाबू जी कैसे हुआ था? बहुत ही दुखद घटना हुई है कल हमारे यहाँ। कल 1 तारीख को रात में 11:02 पे बिजली का तार टूटने से, करंट की चपेट में आने से हमारे बाबू संतोष बाबू जी का देहांत हो गया। वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां हरियाणा के नूह में साजिश के तहत हुई हिंसा, आगजनी और हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिहादियों का पुतला दहन करके एनआईए जांच की मांग की है। वही इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है। आज का कार्यक्रम ये है कि मेवात में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर उन्हें टारगेट करके पथराव किया गया और गोलियां चलाई गई, मतलब इनका ये उद्देश्य है कि हमारी कोई धार्मिक यात्रा पूरे देश में ना निकल सके। तो ये एक देश में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, समाज में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसके विरोध में आज पूरे देश में हर जिले पर पुतला दहन का और ज्ञापन का कार्यक्रम रखे हुए। वही अगली खबर आगरा से है, जहां नूह में भड़की हिंसा के विरोध में पूरे देश में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आगरा में सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में हिंदूवादी कलेक्ट्रेट पहुंचे, उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। काफी देर तक नारेबाजी चलती रही, उसके बाद सभी कार्यकर्ता डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सभी ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हिंदूवादियों ने चेतावनी भी दी कि विधर्मी सुधार की जाए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाए, वरना ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। नूह हरियाणा के अंदर जिस तरह से अभी 2 दिन पूर्व जिहादियों ने पूजा अर्चना और जुलूस लेकर के चले हिंदू समाज के ऊपर हमला किया, उसमें निर्दोष हिंदुओं की हत्या की और खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों राउंड फायरिंग की, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। आज विश्व हिंदू परिषद वज्रंग दल द्वारा पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। में पिछले कई वर्षों से विश्व हिंदू परिषद वज्रंग दल एक शांतिपूर्ण
यात्रा निकालता था और उस यात्रा का एक तय रूट था और उस तय रूट पे ही यात्रा निकल रही थी, लेकिन यात्रा के समय विधर्मियों ने एक सुनियोजित तरीके से उस यात्रा पे हमला किया और हमला इस प्रकार से था कि चारों तरफ से एक युद्ध के मैदान की तरफ उनकी तैयारी थी। घरों पे पहले से ईंट तमंचे कट्टे सब रखे हुए थे और उनकी एक मंत्र ये पूरा मकसद था कि किसी प्रकार से इस यात्रा में जितने भी हिंदू भाई बहन है वो सुरक्षित अपने घर वापस न जा पाए। किस प्रकार से भारत देश भारत जैसे इस देश में किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है और वो इस कंडीशन पे पहुंच जाता है कि ऐसी सुनियोजित कर वो एक धार्मिक यात्रा पे बवाल करे। वही अगली खबर सहारनपुर से है जहां हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर हमले के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बेहट कस्बे में शांक भरी तिराहे पर इकट्ठे हुए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर घटना का विरोध जताया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अभी दो दिन पूर्व मेवात में एक घटना हुई है। अपना जो पारंपरिक यात्रा है हिंदू समाज के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक यात्रा का आयोजन किया गया था, पर मेवात में जिहादियों के द्वारा एक आतंकवादी कायराना था, हमला किया गया हिंदू समाज पे, जिसमें अपना हिंदू समाज के लगभग 10 से 15 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए और जिहादियों ने एक इस घटना को अंजाम दिया है। वही अगली खबर रायबरेली से है जहां जिले में बेखौफ हुए अपराधी दिन दहाड़े गल्ला व्यापारी से टप्पेबाजी करके मौके से फरार हुए। दोपहर करीब 12 बजे गल्ला व्यापारी दुकान से बाहर गया हुआ था, तभी उचक्कों ने दुकान में रखा 50,000 लेकर रफू चक्कर हो गए। वही घटना को देख पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित दुकानदार थाने में तहरीर देकर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की कार्रवाई कर रही है। अगली खबर रायबरेली से है जहां जिले में बेखौफ हुए अपराधी दिन दहाड़े गल्ला व्यापारी से टप्पेबाजी करके मौके से फरार हो गए हैं। दोपहर करीब 12 बजे गल्ला व्यापारी दुकान से बाहर गया हुआ था, तभी उचक्कों ने दुकान में रखा 50,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। वही घटना को देख पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित दुकानदार थाने में तहरीर देकर आरोपियों की गिरफ्तारी करके कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारी दुकान पे कल मंगलवार 12 बजे 1 तारीख को हमारी दुकान से हम पीछे बाथरूम करने चले गए, वो बाथरूम करके लौट के हमारा गल्ला उठ गया था यहाँ से। लगभग कितने रुपए थे गल्ले में? गल्ले में 48 से 50 हजार रुपए थे। वही अगली खबर यूपी के संत कबीर नगर से है जहां जिले में हरियाणा के मेवात में भगवा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले को लेकर आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने समय माता मंदिर से लेकर बाईपास चौराहे तक प्रदर्शन करते हुए चौराहे पर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। वही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में भी जमकर नारेबाजी की और ऐसे आतंकवादी संगठन के लोगों पर कार्रवाई करने की मांग भी की। यात्रा निकाली गई थी हिंदुओं द्वारा, ये विगत कई वर्षों से निकाली जाती थी। जो इस्लामिक जिहाद इस तरह से घटना जो पत्थरबाजी किया है, जिस तरह से आतताई अपना काल नियमी बन के कार्य करते जा रहा है, उसके विरोध में बजरंग दल आज सपा में आया है। कहना चाहते हैं जो हैदराबाद का जो नाजुम है, अगर उसकी इतनी औकात है, कहता है ना कि 30 लाख हम लोग 30 करोड़ हमको मौका मिल जाए, हम बस इतना कहना चाहते हैं बजरंग दल को अगर मौका दे दिया जाए के लिए। अगली खबर कासगंज से है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका युवक का शव मिला। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों से मृतक युवक लापता था। सूचना मिलते ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
वही अगली खबर झांसी से है, जहां सुबह सुबह अखबार लेकर जा रहे ग्रामीण पत्रकार पर कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। वही दबंगों द्वारा पत्रकार की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई। पीड़ित पत्रकार ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को देते हुए कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की है। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां हरियाणा में 3 दिन पूर्व हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई जिलाभिषेक यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के अराजक तत्वों द्वारा जुलूस पर पत्थरबाजी और फायरिंग की गई थी, जिसमें हमले के दौरान 2 होमगार्ड के सिर पर पत्थर और गोली लगने से मौत हो गई थी। वही उसी के साथ 2 बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भी मृत्यु हो गई थी, जिसकी प्रशासन ने कोई भी पुष्टि नहीं की थी। वही जिसके चलते आज जनपद मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने रोष व्यक्त करते हुए जिहादियों का पुतला फूंका। अगली खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा गेट नंबर 7 और गेट नंबर 8 से पानी घुस गया है। वही तेज बारिश ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक सिस्टम भी पानी भरने की वजह से ठप पड़ा हुआ था। वही वीवीआईपी इलाके के हालत बेहद ही खराब बताए जा रहे हैं। वही अगली खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम में विगत कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका निर्माण कार्य विगत कुछ वर्षों से बहुत तेजी से किया जा रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि आज ब्रह्म कपाल के समीप निर्माणाधीन पुल अचानक से भरभरा कर अलकनंदा में जा गिरा। हादसे के दौरान पुल पर 2 मौजूद कार्य कर रहे थे मजदूर, जिसमें से दोनों मजदूर अलकनंदा नदी में समा गए। बड़ी बात तो ये है कि एक मजदूर को बचा दिया गया और दूसरा मजदूर नदी के तेज बहाव में बह गया। कपाल के पास में एक टेम्परेरी पुल का निर्माण किया जा रहा था और उसमें नट लगाते हुए एक कर्मी जो है बैलेंस बिगड़ने से वो बह गया है। पुल भी को भी क्षति हुई है इसमें। अभी जो इसके हम लोग अनुमान लगा रहे हैं और इसमें जो भी, क्योंकि अभी तुरंत ही ये घटना हुई है, इसमें कौन, अभी इसी बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। वही अगली खबर बस्ती से है, जहां सदर तहसील में जमानत को लेकर एसडीएम कोर्ट में वकील और मुंशी आपस में ही भिड़ गए। फिर क्या था, दोनों के बीच पटकी पटकान शुरू हो गई। एसडीएम कोर्ट चैम्बर के बाहर वकील ने मुंशी को पटक पटक कर पीटा। दीवार में सर लड़ने की वजह से मुंशी का सर फट गया। किसी तरह बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। वही मारपीट करने वालों के खिलाफ सदर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। नियमानुसार जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें एक अधिवक्ता और एक प्राइवेट अधिवक्ता के मुंशी के बीच मारपीट हुई है तहसील परिसर के अंदर। इस प्रकरण में कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी नियमानुसार जाँच कर विवेचना की जा रही है। किसके पक्ष से है इसमें? दोनों प्राइवेट पक्ष से ही तहरीर दी गई है इसमें, चूँकि विवाद प्राइवेट पक्षों के बीच तो इसमें उन्हीं के द्वारा की गई है। वही अगली खबर वाराणसी से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक भव्य आयोजन किया गया, जहां बुद्धि शुद्धि का यज्ञ विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा बुद्धि शुद्धि का यज्ञ आयोजन किया गया। पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने केदारनाथ और बद्रीनाथ का एएसआई सर्वे कराने की बात कही थी, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर लोगों में आक्रोश भरा है। वही अगली खबर वाराणसी से है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और हरियाणा के नूह में हुई घटना को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही दर्जनों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। वही अगली खबर यूपी के पीलीभीत जनपद से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को जमीनी विवाद के चलते उसी के घर में घुसकर उसके कपड़े फाड़ दिए गए और अर्धनग्न कर घुमाया गया। वही इस मारपीट का वीडियो किसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है।
फिलहाल महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत एसपी पीलीभीत से की है। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पीलीभीत ने जांच के आदेश सीओ सदर को दिए हैं। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां अपने शोध की वजह से अपनी अलग पहचान बनाने वाला कानपुर का नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट नीत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब विदेशी चीनी उत्पादक देशों में मौजूदा चीनी मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यरत तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण और तकनीकी परामर्श प्रदान करेगा। मिल से तकनीकी अधिकारियों की एक टीम प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नवंबर और दिसंबर में संस्थान आएगी। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के लिए एक और उपलब्धि का समय था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चार देशों ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान से जो है संपर्क किया है कि किस प्रकार वो अपने देश में जो उनका चीनी उद्योग है उसको वो आगे ले जा सकें, उसकी दक्षता को बढ़ा सकें, उसका आधुनिकीकरण कर सकें। तो ये जो चार देश हैं उसमें मैं आपको एक एक करके बता सकता हूँ कि सबसे पहले इंडोनेशिया, जिसके साथ कि हमने अभी थोड़े दिन पहले ही MOU साइन किया था, और उसकी चीनी मिल का दौरा भी मेरे और मेरे सहयोगी द्वारा किया गया। तो इंडोनेशिया में हमने देखा कि वहाँ की चीनी मिलों की जो दक्षता है वो बहुत कम है, और वहाँ फार्म से लेकर फैक्ट्री तक एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमने वहाँ के PTPG राजावली ग्रुप के साथ एक MOU जो साइन किया है, उनकी 6 चीनी मिलें हैं जो कि ईस्ट जावा में हैं, और उनके लिए हम काम करने जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।